रानीखेत के कुंवाली घाटी में दैना गांव में बुजुर्ग मोहन राम को शिकार बनाने वाली हिंसक मादा गुलदार को शिकारी राजीव सोलोमन ने ढेर कर दिया। एक गोली मादा गुलदार के सिर पर और दूसरी गोली दिल को चीरती हुई पार हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा काटते हुए संदेह जताया कि असली आदमखोर को नहीं मारा गया। शिकारी राजीव और रेंजर मनोज लोहनी ने हिंसक वन्य जीव के सारे लक्षण और उसकी गतिविधियों का हवाला देकर मामला शांत कराया। 29 नवंबर शाम 4 बजे रानीखेत तहसील के दैना गांव निवासी 65 वर्षीय मोहन राम को गुलदार ने शिकार बना लिया था। घटना तब हुई जब बुजुर्ग रोज की तरह गायों को खेत से वापस लेने के लिए गए थे। मादा गुलदार मोहन राम को घसीटकर करीब 1 किलोमीटर आगे गधेरे में ले गई थी। हिंसक मादा गुलदार करीब 12 साल की हो चुकी थी। उसके ऊपरी जबड़े का दायना दांत टूट चुका था। मुरादाबाद से पहुंचे शिकारी राजीव सोलोमन ने बताया कि बुजुर्ग को शिकार बनाने वाली मादा गुलदार यही है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।